Samadhan, Samadhan. समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान, 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले ऐसी में शांत। दूरिया दरारे मिटाए मन से जीवन बन जाएगा खुशियों की खान, खुशियों की खान। कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का खत्म हुआ व्यवधान मिल गया समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हमारे बीच कुछ ऐसे भाई बहन आते हैं जो अपने सुंदर अनुभव हम सबके साथ बांटते हैं। ऐसे अनुभव जो उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किए हैं ज्ञान और योग के अभ्यास के द्वारा। आध्यात्म एक ऐसा सुंदर मार्ग है मित्रों, जो अब तक मुझे लगता है कि मिसिंग था। हम चलते तो थे आध्यात्म के मार्ग पे, कुछ कथा कहानियां सुन लिया करते थे, कुछ व्रत उपवास रख लिया करते थे, लेकिन आध्यात्म के माध्यम से जीवन की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है इस पे शायद हम विचार नहीं किया करते थे। लेकिन पीस ऑफ माइंड चैनल समाधान कार्यक्रम आप तक ऐसी ही सुंदर सुंदर टिप्स लेकर के आता है कि आप कैसे अपने जीवन की समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं और जीवन का संपूर्ण और भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो ऐसे ही सुंदर अनुभव लेकर के आज हमारे बीच पधारे हुए हैं बागलकोट से शांता जी और साथ ही बेलगाम से महंतेश जी। आइए उनका अभिनंदन करते हैं और समाधान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। शांता जी, पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। विशेष करके जीवन में बहुत सारी बातें आपने बहुत बसंत देखे हैं, बहुत सारी तकलीफें और समस्याएं तो आती ही हैं। पीस ऑफ माइंड चैनल के द्वारा या फिर समाधान कार्यक्रम देख करके आपको क्या विशेष प्रेरणा मिली और कैसे आपने अपनी समस्याओं को दूर किया? टीवी चैनल समाधान कार्यक्रम में सूरज भाई जी ने जो समान को यूज करने को बताया था, वो समान बहुत सारे मेरे जीवन में यूज हुए हैं, उनको मैंने इस्तेमाल भी किया है। जी जी। तो मेरे को एक समय ऐसा था कि मैं हेड होने के नाते, एक स्कूल के प्रिंसिपल हेडमिस्ट्रेस होने के नाते, बच्चों से, टीचर्स से, उनके बच्चों के माता पिता से, गवर्नमेंट से और पब्लिक से, सबको मुझे उनको उनका समस्याओं को निभाना पड़ता था। तो मेरे को बहुत घबराहट होने लगी उस समय। हाँ, मेरे को बाबा मिला और घर में भी ऐसा हालात थी, बच्चे छोटे थे। जब मैं हेडमिस्ट्रेस बनी तो मेरा सिर्फ उम्र था 35। अच्छा। उस समय मेरे को बच्चों को भी संभालना पड़ता था और स्कूल को निभाना पड़ता था एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट। और उसी समय नया मकान बन रहा था और हमारा पति युगल भाई पॉलिटिक्स में रुचि होने के कारण घर में रहते थे ही नहीं, और उसे भी मुझे ही निभाना पड़ता था। सारी चीजें एक साथ आपके पास आ गई, पास आ गई तो इसे लगता था मैं सब कुछ छोड़ के कहीं भाग जाऊं। तो मेरे को उस समय एक भाई ने मुझे बताया कि तुम जैसे कि स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट हो तो यहाँ एक संस्था है, बहने चलाती है, तुम उधर जा सकते हो। जी जी। तो जिस समय से वहाँ गई तो वहाँ का वातावरण, बहनों का प्यार का, मतलब ब्रह्मा कुमारीज में जब आप आई तो बहने बहुत मेरे को प्यार से बुलाया और इतना उन्होंने शक्ति भरा
ये सभी समस्याएं आपको समाधान मिलना है तो तुम्हें एक्स्ट्रा शक्ति चाहिए। जी जी। तुम अकेले नहीं संभाल सकते हो, वो एक्स्ट्रा शक्ति आप भगवान से ले सकते हो। खुद भगवान एक ही आपको दे सकता है। तो मेरे को यह सच लगा। हाँ, माता पिता हम बच्चों को सिखाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, लेकिन यूज नहीं करते हम, उस रूप से हम यूज नहीं किए। तो मैंने बाबा को, अभी हम बाबा बोलते हैं, उस समय भगवान को मैंने स्वीकार कर लिया। बहने जो बोलती है सच है। जी, जी। तो उन्होंने उस समय ध्यान का गहराई और योग का इस्तेमाल करना सिखाया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा जी। और आपकी सारी समस्याएं दूर हो। हाँ जी, वो कैसे, जैसे कि सच्चा ध्यान था जी। उन्होंने ड्रामा का रहस्य बताया और शक्ति पाना, जो हमको ये निभाना रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है निभाना, इसमें ही हमारा कमाल है, भागने से नहीं। तो हमने उनको बात मान ली और योग को प्रयोग किया जी, जी। योग में रुचि ली, भगवान से बातें करना, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बातें उन्होंने बताया कि मेरे को आसान लगा। ये सभी निभाना, घर निभाना, उसी समय स्कूल निभाना, उसी समय गवर्नमेंट को भी हम सभी रूल्स अलो हम उसे इस्तेमाल करना पड़ता था जी, जी। जो रूल्स उन्होंने हमें बताते हैं, तो ये सब मेरे को योग से। हम बाबा को बुलाते थे उसको दोस्त के रूप में, पिता के रूप में और गाइडेंस के रूप में, अब बाबा मैं क्या करो, तो मुझे कोई ना कोई एक टच होता था और मैं खुशी से जाके निभाती थी। और इतना अच्छा निभाया कि 35 साल सर्विस, 25 साल मैंने हेडमास्टर के रूप में निभाया। क्या बात है। चलिए, हर जगह आप हेड रहे, स्कूल की भी, घर की भी, और ये सारी समस्याएं भी दूर हुई और सबको आपने अच्छी तरह से निभाया। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी शांता जी, आपने कहा कि आपने भागने का सोचा था लेकिन आप भागे नहीं, लेकिन आपने भाग लिया इन सब समस्याओं में और इन सबको सुलझाया। ये बहुत अच्छी चीज है। चलिए, आप लोगों ने मेल किया है और महंतेश जी आपने भी एक अच्छी चीज लिखी थी और शुरुआत वाली मैं बात जानना चाहूंगा। आपने कहा था कि 14 इयर्स के जब आप थे तब परिवार में कुछ ऐसी दुखद घटनाएं हो गई जिसने आपको बहुत ज्यादा उद्वेलित किया, डिप्रेशन की स्थिति में आप जाने लगे और वहां से बाहर निकलने में इस ईश्वरीय ज्ञान ने मदद किया, ये अनुभव मैं जानना चाहूंगा। हाँ, ये 12 साल इसमें छोटा सा पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं। ये घर में बहुत इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट से बहुत दुख, बहुत घबराई है, बहुत दुख भी है। क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ था घर में कि आप इतने ज्यादा दुखी हो गए थे? हाँ, एक घर में एक बड़ा लोग है गाँव में, एक दिन में बहुत झगड़ा था। हमारे घर में एक ग्रैंड फादर है, फादर चाहे अंकल, सबके लिए मारते हैं। अच्छा। एक खून खून मारते हैं, वो छोटा सा पढ़ाते हैं, वो देखने के बहुत घबराए थे। मतलब आपके ग्रैंडफादर को, फादर, फादर सबको मार दिया? सबको मार दिया। हाँ, सबको मार दिया। वो छोटा है ना, छोटा सा, हमारा इच्छा मनोकामना पूर्ण किया तो सभी छोड़ दे, हमारा इच्छा पूर्ण किए तो नहीं, हमारा इच्छा पूर्ण करने के लिए एक इच्छा है, हमारा गाँव में एक घर नाश होगा, इडी गांव में नाश करने के लिए हम तैयार करने के बहुत अंदर से बहुत इच्छा है। मतलब आपको इतना गुस्सा था कि हाँ, मैं अब घर गांव में किसी को छोड़ूंगा, छोड़ूंगा ना। हाँ, बहुत इच्छा था ये, बहुत सपने में भी ये रिवॉल्वर, ये हथियार, बहुत सारी चक्कर लगाते, सपने में भी चक्कर लगाते। एक रास्ता में जाते, चार आदमी इकट्ठे करने के लिए देखेंगे, वो क्या चार आदमी क्या इकट्ठे करते, क्या घर में धोखा पड़ने के लिए इकट्ठे करते, बहुत ये चार आदमी को मारने के लिए रक्त पीने अनुभव अंदर से बहुत इच्छा, बहुत आशा थी जी, 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 बहुत आशा थी। ये ईश्वरी ज्ञान में, ईश्वर ज्ञान में कर्म फिलोसफी का ज्ञान है और अंदर से टच होगा, जीवन संपूर्ण परिवर्तन हुआ। ये बाबा ना सबका पिता, हमारा पिता, ग्रैंडफादर, पिता, अंकल, हमारा साथ है जी, जी, जी। हमारा साथ है। हुँ। वो देखने के भी आत्मा है, वो परस्पर देखने के लिए आत्मा है। बाबा बाबा बताए ना, हमारे इस कलयुग का अंतिम समय है, सभी अंतिम का समय है ना, बाबा बाबा का इकट्ठे करने के लिए जा रहे हैं ना, हमारा टच भी नहीं। मतलब इस ईश्वरीय ज्ञान में आने के बाद आपके अंदर जो गुस्सा था, हाँ, शांति थी, बदले, हाँ, की भावना थी,
हाँ, वो सब समाप्त हो गया। हाँ, समाप्त होगा, शांत, सभी घर में शांत होगा, सभी वातावरण को। ये तो बहुत अच्छी बात है मंत्री जी, क्योंकि इस बदले की भावना से तो वैसे भी जीवन नहीं जिया जा सकता और अशांत हो जाता है व्यक्ति का मन। और आपने जो बात कही कि कर्म फिलॉसफी, यदि किसी ने बुरा किया है तो उसका बुरा तो होगा ही, ईश्वर देखता ही है, हम अपने आप को शांत कर ले, मतलब ओम शांति ने आपके परिवार में शांति शांति। बहुत सुंदर बात है शांता जी। विशेष आपने एक बात और लिखी थी कि कई सारी बीमारियों से ग्रस्त रहे हैं आप, और उन बीमारियों में भी आपने विशेष करके योग का अभ्यास किया और अपनी बीमारियों से मुक्त हुए, तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश चाहूँगा। इससे तो मैं बीमारी से कभी मेरे को आक्रमण ही नहीं किया, क्योंकि समाधान कार्यक्रम अच्छा। में भाई जी बताते थे कि कुछ लेते हो या पानी या खाना जी, चार्ज करके लो। एक मेरे पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगे जी, जी। तो जब भी मैं पानी पीती तो उसे दवाई समझ कर, और ये नर्व्स को सभी वे चार्ज कर रहे हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। किसी ने ये भी बताया था कि ब्रेन ट्यूमर भी इससे इलाज होकर ठीक हो गए हैं, तो क्या मेरे छोटे मोटे इलाज नहीं हो सकते हैं क्या? तो मैं उस दिन से वो सामान को यूज किया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ मेंटली और फिजिकली। जब मैं फिजिकली स्वस्थ हूँ तो ऐसी हुई कि कोई बीमारी अटैक करने की हिम्मत ही नहीं थी मेरे को, अब तक शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, घुटने के दर्द नहीं है, ऐसे कोई भी नहीं। तो बहुत, और आंख के ऑपरेशन हुए तो उस समय भी मैं ऐसे करती थी, जब दवाई डालती थी तो एक सामान यूज करती थी, तीन घंटे तक वही सामान में रहती थी, तीन घंटे के बाद और एक दवाई डालना पड़ता था, उस समय और एक सामान यूज करती थी। मेरे को ऐसा लगा कि मैं बीमार हूँ या ऑपरेशन वाली हूँ, ऐसे नहीं लगा जी, जी। तो ऐसे 15 दिन में ही एक आंख ऑपरेशन सक्सेस हुआ, तो दूसरे को भी डॉक्टर किया ये भी कर सकते हैं, पहले दोनों बोले दोनों नहीं एक ही कर सकते हैं, तो 15 दिन में वापस गए तो ये तो ठीक है, बहुत जल्दी तुम रिकवरी हो गए हो, ये भी कर सकते हैं, तो वो भी कर दिया। तो उस समय सामान मेरे को बहुत अच्छा स्थिति मिला, मदद किया, और मतलब बीमार होती नहीं और यदि थोड़ी बहुत बातें आती हैं तो आप सामान से ठीक कर लेते हैं, कर सकते हैं। मेरे को ये बहुत विश्वास है उसमें, मैं यूज किया है और उसे इस्तेमाल करने के लिए मैं बहुत इसके आगे भी मैं करना चाहती हूँ। जी जी जी, चलिए इसे औरों को भी प्रेरणा मिलेगी कि वो भी पानी चार्ज करके पीते रहें, स्वमान की प्रैक्टिस करते रहें, स्वमान की प्रैक्टिस। जी जी जी, आत्मबल तो इसे बहुत बढ़ ही जाता है और साथ ही शरीर भी स्वस्थ रहता है। जी जी, मन और तन दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। महंतेश जी, आपने अपने मेल में एक बात लिखी थी कि जैसे आपके दादाजी को, पिताजी को, चाचा जी को, इन सब को रास्ते से हटा दिया गया था और आप लैंडलॉर्ड हैं पूरा आपका परिवार, तो कुछ जो लोग थे बुरी दृष्टि वाली भावना वाले, वो आपको भी रास्ते से हटा देना चाहते थे, मार देना चाहते थे, और वो इस भावना से आते भी थे, लेकिन चूंकि आप विद्यालय से जुड़ गए थे, योग का अभ्यास करते थे, तो उनकी भावना चेंज हो जाती थी। ऐसी भी आपने एक बहुत ही न्यारी सी और चमत्कारिक सी बात लिखी है, वो आपके मुख से जानना चाहूंगा, क्या अनुभव अच्छा, है ये? ये न्यारी सी बहुत चमत्कारी है जीवन में अनुभव है। ये समस्या का समाधान का टीवी हम कार्यक्रम का देखते हैं जी, हमारे जीवन में बहुत परेशान था, क्या क्या अनुभव, क्या बहुत घबराई अनुभव था। ये समस्या का समाधान का जी टीवी में ये कार्यक्रम का देखेंगे, एक अनुभव हुआ, ये दूध पिए के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के अनुभव, चार 7 बार से मास्टर सर्वशक्तिवान का अनुभव किया जी, बार बार मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान हमारा साथ है था अनुभव किया था। एक दिन में शुभ अमृत वेला ये ओरा लगा था, एक गांव में एक व्यक्ति में ओरा लगा था, ये संपूर्ण वाइब्रेशन भाभा पवित्रता का वाइब्रेशन हमारे देखेंगे वे समाधान का अनुभव किया, हमारा आ रहे तो सभी को समाधान के जा रहे हैं, इकट्ठे करने के लिए जा आ रहे हैं तो झगड़ा भी नहीं है, ये समझ समाधान के लिए जा रहे हैं तो अनुभव किया। ये दिन 7 बार दिन नित्य शुभ को अमृत वेला से दिन प्रयोग किया था। ये समाज ये देखेंगे भी क्या बहुत बहुत घबराए से ले देखते थे, नमन करने के लिए चलता है अच्छा। नमन करने के लिए हमारे नजदीक आ रहे हैं तो चार लोग आते हैं ना, चार लोग आते हैं ऐसे ऐसे हुआ बात करने के लिए, बदल करने के लिए, ये नमन करने के लिए ये बहुत इच्छा है, तो आपने आमने सामने झगड़ा करके जा रहे हैं तो ये क्या बात है, ये आप व्यक्ति को पास है तो हमारा विचार
भूल गया है, भूल गया है क्या विचार है, ये बहुत अनेक व्यक्तियों के लिए परिणाम किया था। अच्छा, मतलब कई बार ये घटनाएं हुई कि लोग आपको भी मारने के लिए आए लेकिन उनके विचार ही बदल गए, भावना बदल गए, आपके चरण छूके गए। ऐसे समय पे क्या फील होता था महंतेश जी की सचमुच मौत सामने है, लोग हथियार लेके मेरी तरफ आ रहे हैं और उनकी भावनाएं बदल गई, मेरे पैर छूके जा रहे हैं, आपको क्या फीलिंग होती थी कि ये क्या चमत्कार है, परमात्मा मदद कर रहे हैं या मेरी शक्ति है, क्या लगता था? परमात्मा हमारा साथ है, हमारे शिव बाबा साथ है, सभी साथ है, हमारा आपे ही आगे चल रहा है बाबा और सभी लोग जा रहा है, बाबा भी हमारे साथ है, अंकल भी साथ है, पापा भी साथ है, ग्रैंड फादर भी साथ है, शरीर छोड़ने के नहीं। वो अंदर से बहुत गहराई था, अनुभव किया था। अच्छा, हाँ, समस्या का समाधान का कार्यक्रम देखेंगे, चलते फिरते बाबा को छत्र छाया में जा रहे हैं, छत्र छाया में जा रहे हैं, अनेक असंभव कार्य को संभव किया था। जी जी जी, हमारा बहुत जीवन में अनुभव किया है। बिल्कुल, मतलब परमात्मा की मदद, उनकी छत्र छाया से हर कार्य सहज सर खा हर कार्य असंभव कार्य भी सहज होगा, असंभव कार्य भी सहज होगा, अभी भी चलता है। चलिए, इससे बड़ा अनुभव और क्या होगा कि सामने लोग मारने के लिए खड़े हों, पैर छू करके जाएं या नमन करके जाएं, मुझे लगता है कि इससे बड़ी चीज, इससे बड़ा अनुभव तो और कुछ साथ का परमात्मा का हो ही नहीं सकता। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है वेंकटेश जी, कि ईश्वर हमेशा आपके साथ साथ हैं और ऐसे ही सुंदर अनुभव आपको कराते रहेंगे। आप वैसे भी निश्चिंत हैं और निश्चिंत ही रहिएगा। शांता जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने कहा था कि आपका जो छोटा बेटा है और उनकी पत्नी है आपस में नहीं बनती थी दोनों की, आमतौर पे घर में कहीं ना कहीं ऐसा होता है, आपस में वो बातचीत नहीं करते थे, उनके बीच लड़ाई झगड़े या खिटपिट हो जाती थी, या आपकी बिटिया का भी कहीं ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, तो ये भी यहाँ पे भी आपने कुछ विशेष योग का अनुभव और अभ्यास किया था। हमारे बेटी गवर्नमेंट कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर थी जी, वो कुमारी थी, उसको ट्रांसफर का ऑर्डर अभी नहीं आया था लेकिन लिस्ट में था। वो घबरा गई थी, अगर कहीं दूर गए तो क्या करे, और वो चाहती थी कि यही बागलकोट में ही हमारा ट्रांसफर होना। जी जी, मैंने उस समय एक बात बोल दिया उसको, हो जाएगा, क्या बड़ी बात है। ये बात दादी ने एक फोटो के, जानकी दादी ने हाथ ऐसा फंसाया फसार करके, हो जाएगा क्या बड़ी बात है, चित्र था जी। वो चित्र मेरे को बहुत इम्प्रेस किया, हो जाएगा क्या बड़ी बात है, तो मैंने भी वही डायलॉग उसको बोल दिया, हो जाएगा क्या बड़ी बात है। वो बोलती है, क्या बड़ी बात है, ये तो ट्रांसफर है, बड़ी बात है। ये बड़ी बात है, तुम क्या बड़ी बात है बोल। नहीं, मेरे को दादी ने बताया है हमारे साथ बाबा है, हो जाएगा क्या बड़ी बात है जी। तो मेरे को उसको वो संशय में थी, मेरे को विश्वास था, अब तो बोल दिया है, समस्या कड़ी हो गई, अगर न हो जाए तो मेरे को थोड़ा डर लगा दिल में। फिर अमृत वेले योग किया, बाबा के सामने गई, बाबा मैं तो उसको ऐसा बोल दिया है, अब इसको तुम ही सॉल्व करना जी। हो जाना इसमें कोई, मैंने उसको प्यार से बोला और कहा कि ये काम होना ही है। तो वैसे ही अगले दिन सेंटर पर गई, बहनों को ऐसा बोल दिया, उन्होंने भी बोला, हो जाएगा क्या बड़ी बात है, मेरे को और भी खुशी हुई। और हम जब वहीं ही थे तो फोन आया तुम्हारी, उसको उसे फोन आया, मेरा ट्रांसफर बागलकोट को ही हो गया। अच्छा। और मैंने उसी समय बहन को बताया और मेरे को इतना खुशी हुआ कि सचमुच आंखों में पानी आने लगे, बाबा हैं। जब हम विश्वास से, तो बिटिया भी बड़ी खुश हुई होगी कि आपकी परमात्मा में तो बड़ी शक्ति है। और उस दिन से वह मेरे को बोला कि सचमुच तुम्हारे में भी योग का बल है और भगवान तुम्हारे साथ है, वो मान ले लेगी। और वह कुमारी होने के नाते मेरे को बहुत सहयोग देती है, ऐसे खाना पकाना वगैरह मेरे ख्याल भी बहुत रखती है। हम दोनों तृप्त है, वो पिछले समय मिलन को आकर बाबा का मिलन की करके गई और मानती है, फिर भी रेगुलर नहीं आती, फिर भी हमारे जो नियम है उसको मानती है। छोटे बेटे पे भी आपने कुछ प्रयोग किया? हाँ जी, वो भी बहुत तकलीफ थी घर में, बहू घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई, एक बेटा था और कुछ समय बोला मैं बेटे को लेके जाऊंगी, हमने बोला लेके समय हमारे को कन्फ्यूजन हो गया अब क्या करें, और वो ये भी कहने लगी नहीं तुम्हारा बेटा तुम ले लो, मैं सिर्फ चली जाऊंगी। तो हमारा बड़ा बेटा बोला तुमने ऐसे जाने से मर्यादा ये घर का भी जाएगा, मैके का भी जाएगा,
बेटा के छोड़ के लेके गए तो मैं के आई, छोड़ के गई तो मर्यादा नहीं होगा, तो इतनी मुश्किल हो गई। उस समय एक दिन समाधान कार्यक्रम देख रही थी तो भाई जी ने एक फिर भी समान बताया कि मैं पूर्वज हूँ, मैं आत्मा पूर्वज हूँ, इन सभी आत्माओं को समाधान, इनको समस्याएं दूर होने दो, घर का माहौल, अगर मेरा घर का घर में ही यही समस्या हो तो मैं औरों को क्या बताऊँ कि योग से क्या होता है, ध्यान में चलने से क्या होता है। तो मैंने फिर उस दिन से योग का प्रयोग करने लगी कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ, इस आत्मा को भी शांत हो जाए, आज है कल समाधान हो जाएगा, उस बच्चे को भी सकाश देती, इसको भी लेके सकाश देती। मैं उसको बोलती थी बच्चे इसकी कोई गलती है नहीं है, आप बेटे हो तो क्या हुआ, फिर बहू है उसको हम सुरक्षा देना पड़ता है, उसको समाधान करना पड़ता है। यूं ही सकाश देने के हम कई 3 मास तक उसका प्रयोग किया। जी जी, अभी वो इतने अच्छे हैं। अच्छा। मैं इसको हंसी में बताती हूँ, अब तुम मुझे ही भूल रहे हो इतने अच्छे तुम रहे हो कि हमारे को मतलब अब कोई समस्या नहीं है दोनों के बीच में। अब बहू नहीं कहती कि मैं चली जाऊंगी या लेके चली जाऊंगी। चलिए, इससे अच्छा अनुभव और क्या हो सकता है सचमुच, क्योंकि परिवार में ये अनबन की स्थिति तो बन जाती है यदि योग का अभ्यास किया जाए तो, संबंधों को मधुर किया जा सकता है। जी नितिन जी, आपने यौगिक खेती की भी बात कही थी, क्योंकि आप खेती करते हैं। तो आपने यौगिक खेती, जो विशेष करके ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा सिखाया जाता है कि योग के द्वारा भी फसल अच्छा हो सकता है, वो अनुभव भी आपका बहुत अच्छा है, वो जानना चाहेंगे दर्शकों। हाँ जी, 1 साल से फले जी, एक एक यौगिक खेती में प्रयोगता, ये फले प्रयोगता की जीव बीज बीज संस्करण का विधि, बीज संस्करण के अमृत वेलसा बीज संस्करण का विधि से बाबा के पास ये बीज का देखा जी। बाबा से सर्वशक्ति का किरण बाबा के नयनों से आ रहे थे, पवित्रता का वाइब्रेशन है, मतलब जो बीज हमें खेत में डालना है उससे पहले बीज का अच्छा बीज का अच्छा डालना वाइब्रेशन थी जी, जी। ये बहुत अच्छा अनुभव किया था। ये अमृत वेले से 4 घंटे के पहले हमारा बाबा के पास देखा, सामने आ रहे हैं, ये बीज का संस्करण का विधि से चल रहा हूँ। बहुत बरसात चल रहा था, बहुत बरसात चल रहे थे, वो अनुभव किया बाबा कल सुबह को बीज बोया था जमीन पर, ये बरसात ही बहुत ज्यादा आ रहे है, क्या बाबा, ये बाबा हमारे अंदर से विषय अंदर से टच किया, ये अच्छी तरह से बुझ बोया के लिए प्रयोग करो, अच्छी तरह से विधि है, ये बीज बोया। सभी लोग आते ये बीज बोया था नहीं, ये सभी लोग आते बीज बोया का नहीं, हमारे बाबा टच किया, ये आज का बीज बोया के लिए बहुत विशेष दिन है, बीज बोया। अच्छा, ये बीज बोया था, पूरा काम मुक्त होगा, बहुत अच्छा बरसात चल रहा था। है? चल रहा था, सभी को लिए बहुत चमत्कार है, क्या शुभ को बीज बोया के समय बंद बरसात बंद हो गया, बीज बोया का पूरा काम पूरा होगा तो बरसात चल रहा होगा। अच्छा। क्या होगा, ए बाबा बहुत अच्छा है, बाबा बाबा, ए बाबा वाला, ये ओम शांति का नाम बहुत बाला कर, मतलब लोगों को भी ऐसा लगा कि हम ईश्वर को याद करेंगे तो सचमुच प्रकृति भी हमें सहयोग देगी, प्रकृति भी सहयोग किया। एक चक्कर योगी खेती के प्लॉट में एक चक्कर लगाता, एक महसूस का सुंदर अनुभव किया, ये पानी पीने के बाद संतुष्ट होगा आत्मा, बहुत अंदर से घूमने के लिए बहुत अनुभव किया था। अच्छा। बहुत अनुभव किया था, वो अंदर से बहुत खुशी है, उमंग है, उल्लास है, बहुत बहुत खुश है। सभी बाबा का बच्चों को फोन लगाते, ये हमारा जीव खेत में बहुत अनुभव किया। अच्छा। हाँ, ये पूरा खेत में अनुभव किया, बाद में ये अच्छा फसल होगा, अच्छा फसल, ये फर्टिलाइजर के खेत में फसल दिया, ये योगी खेती के खेत में फसल दिया, कंपेयर में ये योगी खेती का प्लॉट में फसल बहुत ज्यादा है। अच्छा। बहुत चिन्नी का खाड़ है, बहुत गोल्डन का कलर, फुल शक्तिशाली है। अच्छा। फुल शक्तिशाली, ये अनुभव जमीन सारे लोग किसानों के लिए देखेंगे, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, खर्च भी कमी है और ज्यादा फसल भी है, फर्टिलाइजर से लोगों को नुकसान भी, नुकसान भी है, और ये यौगिक खेती जो आपने किया है उससे फसल भी बहुत अच्छा है, साथ ही कम खर्च में आपको बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ है। चलिए, तो बहुत ही सुंदर सा एक्सपीरियंस है।
हम कामना करते हैं कि सभी लोग यौगिक खेती की ओर भी बढ़ेंगे और अच्छा फसल प्राप्त करेंगे। आप दोनों यहाँ आए और बहुत सुंदर अनुभव शेयर किया आप दोनों ने, इसके लिए हमारी सभी दर्शकों की ओर से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, ये अनुभव सचमुच हमारे मन को कितना सुकून देते हैं और आशा का दीप जला देते हैं कि यदि कहीं अंधेरा है तो घबराएं नहीं, डरें नहीं, लेकिन अध्यात्म की ओर बढ़ें, ईश्वर की ओर देखें। वैसे भी हम गाते आए हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, लेकिन हम माता पिता का शायद संबंध नहीं जोड़ पाते और ना ही ईश्वर को इस रूप से याद करते हैं। आपने इन अनुभवों से सुना होगा कि ईश्वर का साथ है तो कोई भी क्षेत्र है, मन भी शांत होता है, आनंदित होता है और साथ ही जितनी भी जीवन में समस्याएं हैं वो भी दूर होती चलती हैं। तो क्यों ना हम सब भी इनके अनुभवों की तरह अनुभव करते चलें और अपने जीवन को सुख से, शांति से, आनंद से परिपूर्ण करते चलें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आपका जीवन आनंद से भरा हुआ हो, शांति से भरा हुआ हो। कल पुनः नए मेहमानों के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान। सारा ये जहान कहता है ये समाधान, समाधान।